हेलो एवरीवन, आई एम आशा। वेलकम बैक टू माय चैनल आशास टेस्टी वर्ल्ड। तो आज हम देखने वाले बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त क्रिस्पी सूजी के पापड़। और सूजी के पापड़ हम इंस्टेंट बनाने वाले हैं। बहुत ही जल्दी 5 मिनट में ये पापड़ बनके रेडी होते हैं। तो इससे पहले मैंने बहुत सारी पापड़ की समर की वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ देखे नहीं तो प्लीज़ देख लीजिए। उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है फ्रेंड्स। तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि मैंने मेरे चैनल पर समर रेसिपीज़ की सीरीज स्टार्ट की है कुछ दिनों से। तो मैं डेली एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ और बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के पापड़, कुरडई वगैरह के वीडियो मैंने बना दिए हैं और आगे भी कुछ दिनों तक ये सीरीज शुरू रहेगी। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली मैं जब वीडियो अपलोड कर दूं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो फ्रेंड्स, सूजी के पापड़ बनाने के लिए मैंने यह 1 कप सूजी ली है। जब हम सूजी लेते हैं उस टाइम स्मॉल वाली जो सूजी होती है उसी का यूज़ हमें यह करना है। तो मैंने यह जो स्मॉल सूजी मिलती है मार्केट में वही ली है। अगर आपके पास स्मॉल वाली सूजी नहीं है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। हम क्या करने वाले हैं, इस सूजी को मिक्सी जार में डालने वाले हैं और इसे हम ब्लेंड करेंगे, थोड़ा सा इसका फाइन पाउडर बना देंगे। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो पापड़ बहुत ही प्यारे बनेंगे, बहुत ही जल्दी बन के रेडी होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सूजी को ब्लेंड करके लिया है और बाद में हम इसमें ऐड करने वाले 1/4 कप मैदा। जिस कप से हमने सूजी ली थी उसी कप से 1/4 कप मैदा हमें लेना है। मैदा लेने से इस पापड़ में बढ़िया बाइंडिंग मिलती है। और अब हम इसे इंस्टेंट बनाने वाले इसलिए हमें मैदा चाहिए। और जितना हमने सूजी और मैदा लिया है उतना ही पानी हमें इसमें डालना है। आप देख सकते हैं यहाँ इस तरीके से बैटर मैंने बना दिया है। अगर आप इसे बाउल में बनाएंगे, बाउल में मिक्स करेंगे तो बहुत ही टाइम वेस्ट होने वाला है और इतनी बढ़िया तरीके से बैटर नहीं बनता। सो इसीलिए आप कोशिश करिए इस तरीके से मिक्सी जार में आप बैटर को बनाइए। तो इसे बनाने के लिए हमने 1 कप सूजी ली थी और 1/4 कप मैदा लिया था। तो उतना ही पानी मैंने लिया है, 1/4 कप पानी का यह मैंने यूज़ किया है। और फिर ये बैटर बनके रेडी हुआ है। तो हम इसमें डालेंगे नमक, स्वादानुसार हमें इसमें नमक डालना है। और इसमें मैंने 1/2 स्पून पापड़ खार डाला है क्योंकि हम इसे इंस्टेंट बनाने वाले, इंस्टेंट बनने वाले सभी जो रेसिपी हैं उनमें पापड़ खार डालना चाहिए, तभी पापड़ बहुत ही बढ़िया बनते। अगर आपको पसंद नहीं तो आप स्किप कर सकते, उसके बगैर भी आप इस पापड़ को बना सकते हैं। तो 1/2 स्पून मैंने यहाँ अजवाइन लिया है। अगर आपको अजवाइन का फ्लेवर पसंद नहीं तो आप इसमें जीरा भी ले सकते हैं। और फिर हमें लेना है चिली फ्लेक्स। तो मैं यहाँ 1/2 स्पून चिली फ्लेक्स ले रही हूँ क्योंकि मैं इसे थोड़ा सा तीखा बनाने वाली हूँ। और बाद में हम इसमें डालेंगे ये कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से ये पापड़ बहुत ही बढ़िया लगने वाले। तो आपको कसूरी मेथी नहीं डालनी तो आप इसमें धनिया की पत्तियाँ भी डाल सकते हैं। और आपको धनिया की पत्तियाँ और कसूरी मेथी दोनों भी डालना पसंद नहीं तो सिंपल से आप इसमें चिली फ्लेक्स, नमक डाल के वगैरह, जीरा डाल के भी बना सकते हैं। नहीं तो सिंपल वाला प्लेन पापड़ भी बना सकते हैं। वो पूरी तरह से आप पे डिपेंड है कि आपको किस फ्लेवर का पापड़ चाहिए। तो इस तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे। मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख रही हूँ ताकि जो सूजी है वो थोड़ी सी फूले। इसलिए आप चाहे तो इसे 10 मिनट, 15 मिनट्स भी रख सकते हैं और बाद में हम इसे पापड़ बनाएंगे। तो देखिए अभी 5 मिनट हो चुके हैं। तो इस तरीके का थोड़ा सा ये गाढ़ा होता है। अगर आपको लगे ये थोड़ा सा गाढ़ा हुआ है तो आप इसमें 1 स्पून पानी और ऐड कर सकते हैं। बैटर परफेक्ट बना है या नहीं इस तरीके से आप देखिए चम्मच के बैक साइड में लेके। और बैटर की कंसिस्टेंसी सेम इसी तरह से रहनी चाहिए। तो अब हम लेंगे स्टील की प्लेट। आप चाहे तो स्मॉल वाले प्लेट भी यहाँ ले सकते हैं, जो टीन के ढक्कन होते हैं उसका भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। उसी में भी आप परफेक्ट राउंड शेप में पापड़ को बना सकते हैं। बट मैं थोड़ी सी बड़ी वाली प्लेट ले रही हूँ ताकि ये जल्दी से बने। और फ्रेंड्स, इस तरीके से थोड़ा सा ये गाढ़ा आपको लगता है तो आप इसमें 1 स्पून पानी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 1/4 कप पानी का ही यूज़ किया है। तो इस तरीके से हम इस बैटर को फैलाएंगे राउंड शेप में।
और फिर इसे स्टीम करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ मैंने इस पतीले में पानी गर्म करने के लिए रखा है, अच्छे से पानी में उबाल आ चुका है। इसी स्टेज पर हम इसके ऊपर प्लेट रखेंगे। पानी में उबाल आने के बाद ही आपको प्लेट रखनी है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर से ड्राई हो रहा है, बहुत ही जल्दी ये ड्राई होता है, बहुत ही फटाफट से ये पापड़ बनते हैं, 1.5 मिनट में पापड़ बन के रेडी होते हैं। तो इस तरीके से ये ड्राई होना चाहिए। पूरा ड्राई होने के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो ऊपर का लेयर जैसे ही ड्राई हो जाता है तुरंत उसकी साइड चेंज करिए। अगर आप इसे थोड़ी देर के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे तो पापड़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता और पापड़ में क्रैक्स आ जाते हैं। तो आप ये बात याद रखिए कि ऊपर का लेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हमें नहीं करना। तो ये जब तक पापड़ कुक हो जाता है तब तक हम दूसरा पापड़ रेडी करेंगे। तो दूसरे टाइम हम पापड़ जब बनाते हैं उस टाइम बैटर को अच्छे से मिक्स करके लीजिए। तो 1 स्पून बैटर इनफ होता है इस पापड़ को बनाने के लिए। तो फिर हम पहले जैसे इसे फैलाएंगे पूरी तरह राउंड शेप में इसे फैलाना है। तो इस तरीके से मैंने इसे फैला दिया है, परफेक्ट राउंड शेप में बना है। तो हम पहला वाला जो पापड़ है वो निकालेंगे और फिर उसी बर्तन के ऊपर इस प्लेट को रखेंगे। इससे क्या होता है कि बहुत ही जल्दी फटाफट से पापड़ बनते हैं। तो देखिए ये भी बढ़िया तरीके से पक चुका है। तो इसे हम निकाल देंगे और तुरंत इस पतीले के ऊपर दूसरा जो हमने प्लेट रेडी करके रखा है वो रखेंगे। इसी तरह से एक्स्ट्रा का एक प्लेट आप रेडी करके रखेंगे तो बहुत ही जल्दी फटाफट से पापड़ बनते हैं। यहाँ देखिए क्या होता है मैजिक, हम इसे पानी में डालने वाले हैं। तो पानी में डालने के बाद हम इसे निकालेंगे। आप जब पानी में डालकर पापड़ को निकालते हैं तो बहुत ही जल्दी निकल आता है। हमने इसमें 1 स्पून मैदा डाला है इसलिए इसमें अच्छी तरह से बाइंडिंग आ चुकी है। अगर आप सिर्फ सूजी से पापड़ बनाएंगे तो ये टूटते हैं, निकल नहीं पाते। तो नाइफ से पहले हम राउंड शेप में इसकी जो साइड से वो लूज़ करेंगे, बाद में हम इसे इस तरीके से खींचते हुए पापड़ को निकालेंगे। तो फ्रेंड्स इसे बनाते टाइम बहुत ही मज़ा आता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। बहुत ही जल्दी बहुत सारे पापड़ हम इस ट्रिक से बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बन चुका है, मेरे फिंगर्स भी दिख रहे हैं। और इसी तरह से मैं सभी पापड़ बनाने वाली हूँ। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए और ये कितना कलरफुल प्यारा दिख रहा है, वाइट रेड एंड ग्रीन। तो इसे हम सुखाने के लिए रख देते हैं। तो आप इसे वाइट कलर के कॉटन क्लॉथ पे भी रख सकते हैं, नहीं तो प्लास्टिक के शीट पर भी आप इसे रख सकते हैं। तो जब हम सेकंड पापड़ बनाते हैं इसी प्लेट में, हम जब सेकंड वाला पापड़ बनाएंगे तो पहले हमें इस प्लेट को अच्छे से वॉश करके लेना है। इसमें हमें ऑयल बिल्कुल भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से हम इसे एक क्लॉथ से पोंछ कर इसके ऊपर बैटर डालेंगे और पापड़ बनाएंगे। तो क्या होता है कि बहुत बार ऑयल लगाने के बाद कुछ दिनों के बाद स्मेल आना शुरू होता है पापड़ में, तो वो खाने में अच्छे नहीं लगते। इसलिए आप ज़्यादातर इस तरह से इंस्टेंट पापड़ बनाते हैं तो थोड़ा सा ऑयल लगाइए, नहीं तो बिना ऑयल के भी हो सकते हैं तो बना दीजिए। तो मैंने बहुत सारे पापड़ बिना ऑयल के किस तरीके से बनते हैं वो भी मैंने दिखाए हैं। और जिस पापड़ को ऑयल की ज़रूरत है उन्हें ही सिर्फ थोड़ा सा जस्ट ऑयल लगाइए। और इस पापड़ को हम निकालेंगे और इसी पतीले के ऊपर तुरंत दूसरी प्लेट रखेंगे और ये प्लेट हम तुरंत ठंडे पानी में डाल देंगे और बाद में हम इसकी साइड्स लूज़ करेंगे। इसी तरह से नुकीला नाइफ आप लीजिए, उसी से ही अच्छी तरह से साइड्स हम लूज़ कर सकते हैं। और बाद में इसे धीरे से खींचते हुए पापड़ को निकालना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली ये पापड़ निकल रहा है। तो देखा ना कितना आसान है, कि इस तरीके से कितनी आसानी से आप सूजी के पापड़ बना सकते हैं। तो इस पापड़ को भी हम क्लॉथ पे ही रखने वाले हैं। अगर आपके वहाँ ज़्यादा धूप नहीं है तो ये फैन के नीचे भी ड्राई हो जाते हैं। और इस पापड़ में जब आप नमक डालते हैं तो चेक करके ही डालना, क्योंकि क्या होता है कि पापड़ ड्राई होने के बाद सूखने के बाद ये छोटे होते हैं तो नमक की मात्रा ज़्यादा लगती है खाने में। सो इसीलिए पापड़ बनाते टाइम नमक कभी भी देख के चेक के ही डाल सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ सभी पापड़ को मैंने बना दिया है। इसी तरीके से मैंने इस पापड़ को बना के रखा है और थोड़ी ही देर के बाद मैं इसे धूप में रखने वाली हूँ। तो जैसे ही आधा घंटा हो जाता है हम इसकी साइड चेंज करेंगे, क्योंकि आपने इसकी साइड चेंज नहीं की तो वो टेढ़े हो जाते, इसीलिए
हर आधे घंटे के बाद आपको इसकी साइड चेंज करनी है। सूजी के पापड़ बनाते टाइम मैंने सभी इन्फॉर्मेशन दे दी है, डिटेल में सब कुछ बता दिया है। जो छोटे छोटे स्मॉल थिंग्स होते हैं वो भी मैंने बता दिए है, ताकि आप जब पहली बार में इस पापड़ को बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया पापड़ बने। एक्चुअली फ्रेंड्स, आपने मेरे पहले वीडियो देखे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं सभी जो रेसिपीज़ बनाती हूँ उनके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ये पापड़ परफेक्ट ड्राई हो चुके हैं। पूरे 2 दिन की धूप मैंने इसे दिखाई है, 2 दिन मैंने इसे धूप में रखा था, तो अभी ये परफेक्ट हो चुके हैं। तो हम इसे टिन में भर के साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। बट आप इसे साल भर तक स्टोर करके रखने वाले हैं तो 6 मंथ के बाद या 3 मंथ के बाद और आप इसे धूप में रख सकते हैं 1 दिन के लिए। उस तरीके से आप करेंगे तो ये पापड़ उसी तरह से अच्छे रहते हैं। तो अभी मैं पापड़ को फ्राई करके लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही पतले नाइस पापड़ बन चुके हैं। तो इसे फ्राई करके देखते हैं ये किस तरीके से बनते हैं। यहाँ मैंने ऑयल को गर्म करके रखा है, उसी में मैंने पापड़ डाला है और इस तरीके से हम इसकी साइड चेंज करते रहेंगे। तो जल्दी से हमें इसकी साइड चेंज करनी है, नहीं तो ये टेढ़ा हो सकता है। तो इस तरीके से आप फ्राई करेंगे तो ये पापड़ बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं होता फ्राई करने के बाद। तो देखिए बहुत ही बढ़िया फूल चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है। तो मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से पापड़ हमें फ्राई करके लेने हैं। वाव सुपर, इसमें हमने कसूरी मेथी डाली है इसलिए इसकी टेस्ट ज़बरदस्त है फ्रेंड्स। अगर आपको सूजी के पापड़ की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड एन्जॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग आशा टेस्टी वर्ल्ड।